कितनी ग्रहें खोली हैं मैंने। छिदवाए गए कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। अलिबु अला चंबे दी बूटी मेरा मुर्शद मन विच लाई तू भक्ता, हाय हाय, तो क्या हो गया? इस तरह से क्यों बैठी हुई है? और बोल क्यों नहीं रही है? हाँ, क्या हो गया है? इस तरह से क्यों बैठी हुई है तू? मेरा दिल हौल रहा है, क्या हो गया बता दी नहीं है, बोल मैं तुझे। हाँ, बट तूने मेरी जान ही निकाल ली थी। और तू क्या हो गया? और तू तूने तो नहीं ना लाला डाका, तू क्यों परेशान हो रही है? ऐसे रो रो के हलकान किया मैं अपने आप को। और रखी शमशान के दौलत चोरियों में बंद कर करके तू तो होनी थी ना। लोग कहते हैं वो घर का भेदी जो है ना वो ऐसे काम करता है। चल चल उठ शाबर चल। तू ठीक कहती है, ऐसा काम घर का फिर करता। हाँ अच्छा चल चलो ढहना। आए मेरी कमर, आए उठ पुत्र, चल शाबाश उठ उठ, आ जा जा बैठ गई है ऐसे, चल शाबाश जा रहा है घर पहुंच जाए जल्दी से। चल शाबाश, वो चादर तो डाल ना सरे, तेरा भी नहीं आता है मुझे। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? कुछ बचा ही नहीं मां। चल छड़, इतना असर ना ले। तू ये देख, ये बाजी ने ना तेरे लिए नए फैशन के कपड़े भेजे हैं सारे के सारे। और बाजी कह रही थी तेरे निकाह की जो खाना है ना वो भी उन्हीं की तरफ होगा। मेरे सर से तो इतना बड़ा बोझ उतर गया। मैंने साफ साफ कह दिया इतनी महंगाई है मैं दो चार बर्तन भांडे के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तेरा नसीब बहुत अच्छा है, माँ का दिल कहता है हाय राज करेगी राज। वो तुझसे अमीन भी तो बहुत करता है। वो गल की है प्यारी के तो मिल नहीं रही मैं माँ। क्या डाका बाजी की तिजोरी पे नहीं पड़ी पड़े, बल्कि डाका तो तेरी तिजोरी पे पड़ा है माँ। बकवास कर दी है तू, वो बकवास कर रही है ना? क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही है तू? है बता क्या रही है? इतने साल जिसको सांप बन के निगरानी करके पाला, कहाँ मुंह काला कर आई है? बताओ बताओ किसके साथ नाक मुंह काला कर आई है? बताओ हराम जने को मैं छोड़ूंगी नहीं।
मेरी बड़ी क्यों नहीं है? बेचारी माँ, बड़ी बड़ी किस्मत तो देख देखो, जिसकी खातिर सारी जवानी बेगीन में गुजार, वही बुढ़ापे सापे साथ छोड़ गई गरीब। देखो गम ने किस तरह पत्थर का बना दिया बेटी को। गम भी कोई गम है, एक पहाड़ है। कितना पहाड़ टूटा इस गरीब पर। ही अच्छा होता ना जो तेरे पास भी मोटर कार होती, वो लंबी वाली जिसमें हम लोग बैठ के शहर को जाते आते। अरे मैं उसकी खिड़की में से पूनी बाकाल के 50 रुपये वाली कौन खाती, और गड्डी में ना कोई भड़कता हुआ गाना चल रहा होता। तू खा बहुत देख देखती है। मत दिख रखा, पूरे नहीं होते ना, बड़ा दुख होता है। तो वैसे जैसे जैसे बड़ा ही कोई सुख है ना हमारी जिंदगियों में, बड़ी बातें बना ली अब चल मार रहा देखती हो। धीरे रहो, रुक जा। माँ का पता नहीं है तुझे, गुस्सा करती है वो। चल चले हम। तू पक्का? तू पता है जब तू मेरे साथ होती है दिया? मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता हूँ, मगर जब तू नहीं होती ना तो सीना दुख से भर जाता है। जी करता है जोर 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 से पुकारूं, बहुत रोऊंगी। जी करता है बहुत ज्यादा रोऊंगी। अब आज तूने रोए रोए की बात निकाली कली ना अपने मुंह से, जहर लगता है मुझे रोने वाले बात। चल अब चल चल। कुछ तो बोल खाला, ये वक्ता से तो बातें ही कर ले। ये वक्त ये कभी नहीं नहीं आएगा, वो हम सब को छोड़ के चली जाएगी। कुछ तो बोल खाला। कितनी दफा का है मनू सफेद कसर से पैर तक लेकर ऐसे ना सोया कर, दिल हौल जाता है मेरा। क्या हो गया माँ तुझे भी, सारी सफेद चादरें कफन नहीं ना होती। बात ना कर ज्यादा, जैसा मैंने कहा है मेरी बात सुना कर। मेरी प्यारी अम्मा, अच्छा नाराज क्यों हो रही है? चल अब मान भी जा, आइंदा से इस तरह से नहीं सोना है तूने। अम्मा तुझे पता है टीपू साहब के मौलवी साहब क्या कहते हैं भला, माँ बाप को नाराज करके औलाद सोए तो बड़ी बड़ी गंगार होती है। चाहती मुझे सुख सुख नींद आए। चल अब मान जाना खाना, जो सारी है आती आती, मुझे नींद वींद कोई नहीं आनी। चल तेरे लिए खाना पका के रख दिया है मैंने, ताजी ताजी रोटी डाल रही, उठ के आ जा। शाबाश। अल्लाह, बहुत देर हो चुकी है, अब रुखसत की इजाजत ले। खाला, ये लोग अख्ता को लेने आ गए, जुदाई की घड़ी आ चुकी है। खाला अपनी अख्ता को माफ कर दे, खाला उसकी बख्शिश हो जाए। अपनी पखना को माफ दे खाला, ला रसूल के वास्ते है तुझे, अपनी पखना क्या दे इसके प्यार की हर की खातिर।
बख्ता 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 आगे कॉल कॉल उठ जा बख्ता उठ जा यहाँ से आगे कॉल बख्ता बख्ता हलीना, तुम्हें उसके घर जाना चाहिए था। आखिर वो हमारी खिदमत गुजार और वैसे भी बहुत ही नेक और शरीफ लड़की थी। अदील, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। टाइम है मेरे पास और वैसे भी मुझे तो कोई और ही चक्कर चक्कर कैसा चक्कर भाभी? जाने दो, अब तो मर गई है। लड़की जात है और फिर जो अल्लाह ने पता दिया है उसके ऐबों को ढका ही रहने दो। तो मामा, आप उसे कुछ ना करें, बहुत इनोसेंट थी। तुम्हें क्या हो गया? मैंने कब कुछ कहा है उसे? तुम लोग तो ऐसे क्यों हो रहे हो जैसे उस लड़की के मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं। पता नहीं आप किस तरह की बातें करी भाभी। ये उबैद को क्या हो गया? जिम्मेदार ना सही अलीना, लेकिन ऐसा रास तो होता है ना। वैसे भी आजकल माँ कितना खर्चा होता है पता ही है तुमको। पता नहीं कैसे उसकी माँ ने अफोर्ड किया होगा सर। मैं कल स्कूल नहीं जा रहा। अदी, हो क्या रहा है? अल्लाह, सभी उसके साथ थे। इतना तो पता है ना तुम्हें। तुम शायद रोज हॉस्पिटल में जिंदगी मौत का खेल देखती हो, इसलिए तुम्हें इस वाकये की इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं है। जवानी की मौत का सोचकर ही आदमी की रूह लरज उठती है। अब कि उसकी माँ है ना, तो प्लीज कल जरूर कर देना। सबका खैरात कुछ भी, लेकिन एहसान अपना उसका हक इससे बहुत ज्यादा बनता है। लेकिन बंदा बशर क्या कर सकता है सिवाय चंद एक लाल हरे कागज के टुकड़ों के। सॉरी अदील, आई एम रियली सॉरी। मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरे अदील का दिल इतना अच्छा है। डोंट वरी। हाँ माँ, बोलो। अबे ताया वा क्यों है? क्या उसी के साथ बैठा है? किसके साथ? अबे उसी के साथ जिसके साथ तुझे बड़ा मजा आता है। मर गई है माँ। अबे आप किस पर मर गई? तुझ पर तो बहुत पहले मर चुकी। वो सच में मर गए हैं एक एक्सीडेंट में, ट्रेन के नीचे आके। अबे तू सच कह रहा है ना? हाँ।
देखना माँ कैसी लग रही है। जल्दी ना हो जाया कर बस कर अब। और रहन देना ना खाला, देखना कितनी खुश लग रही है। करने दे जो कर रही। जी से देर से आना था और आज ही डॉक्टर अब्बास को राउंड पे। तौबा। उबैद कितनी दफा मना किया है ना कि बाटल से मुंह लगा के पानी मत पिया करो। हद हो गई। समझती है कि उसके बगैर कोई काम हो नहीं सकते क्या। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जी, शर्ट का बटन टूट गया है, क्या करूं? तो आप कोई दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, मुझे वैसी बहुत देर हो रही है। काश लग गया। देखा बेटे, इसलिए कभी भी डॉक्टर से शादी मत करना, सारी उम्र ऐसे ही बांधने पड़ेंगे। पापा तेरी बुक्स का क्या होगा? बुक्स? पापा आप उसका सेल फोन तो लेकर देना ताकि मैं उससे अपनी बुक्स का तो पूछ लिया करूं। अच्छा है ना? दिखाओ किसने दिया है तुझे? अदील भाई ने दिया है। बाजी जी कह रही थी कि वक्त बे वक्त कोई जरूरत पड़ सकती है ना। हाँ। तो उसके लिए देख के आ। चल चल। अरे छोड़ ना हाथ मेरा, गिर जाएगी। मुझे ना बोलना। नहीं गिरती। लम्मा बाजी का दो बार आ चुका है, हो गई है। उठना, ये चाय बाद में पी लेना, बल्कि अपनी बाजी के घर जाके पी लेना। जा के देख अमीन आया है जा। हाँ तो उसने क्या करना है, आके सलून करना है और चले जाने, केड़ा उसने बैठना है। अम्मा तू तो उठ। ओ अम्मा अस्सलाम वालेकुम। माँ उठ जा, बार 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 कह रही हूँ उठ जा। टीपू साहब की सालगिरह है कल, बाजी बार बार करी और देख ना अम्मा को उठती नहीं है। कौन सा फोन? फोन ये देख, फोन बाजी ने दिया। अम्मा तू तो उठ जा, उठ 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 भी जा। खुदा हाफिज। चल अब उतर जा जल्दी, रोज देर कर आती है मुझे। ओह ठीक है, घर ही जाना है ना, कौन सा दफ्तर में हाजिरी लगानी है। माँ उस आप के मौलवी कहते हैं कि काम चोरी बेमानी होती है, ते बेमानी निरा गुनाह। और गुनाह सब आपके चक्कर में ना पड़। हमारे सोचने की बातें नहीं है, हमारे लिए तो दो वक्त की रोटी मिल जाए यही बड़ी बात है। मैं रोटी रूटी सब कुछ नहीं होती है, इंसान की ख्वाहिशें भी कोई चीज है। पुत्र ख्वाहिशें जो है ना भरे पेट वालों की होती हैं। बात सुन मेरी, हम झूठन और उतरन खाने वालों की कोई ख्वाहिशें नहीं होती। चल अच्छा बात तेरे ना बना। चल सुनो मेरे लकी, क्या टीबू साहब इतनी कस के आपने पट्टी दी है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बहाने मत बनाओ, मुझे ढूंढो। पकड़ लिया मैंने आपको, पकड़ लिया। क्या हो रही है लेकिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नाम से हालो अपने आप सारो ये पट्टी। आज़ू मैं खोलूं। टाइट पट्टी बांधी है, बेर बेर
ये लो जा। वे क्या बात है तेरी लकी कुतरी की, दिल चाह रहा है सिल के पिंजरे में कैद कर लूं। कोई बात ना, बात ना कर मैं इसके बारे में, भाभी इसे अपनी बहन समझती है। हम तो समझते। क्या बात कर रहा है यार, हल्के बोल को सुन लेगा। तेरा सीने पे हाथ रखकर कसम खा, क्या तेरा दिल नहीं चाहता इसे देख देख कर कुछ। ये देखो लकी, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई हूँ। मेरे लिए बाजी? मैं पसंद किया है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छा अच्छा है। भाई टीपू साहब की सालगिरह है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। न्याय पला बाजी जी, सालगिरह तो अपने टीपू साहब की है, तो तोहफा तो मुझे देना चाहिए ना, ना कि इनको। अगर तुम्हें मेरी बर्थडे पर नहीं पहन कर आई ना, उन्होंने नाराज हो जाना। ओहो, अब तो तुम्हें पहनना पड़ेगा। अच्छा अब भाई, अब तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे नहीं मालूम। मेरा काम था तोहफा लेकर आना और मैं लेकर आ गई हूँ। तुम्हें अच्छा तो लगा है ना? बीबी जी बहुत अच्छा लगा। हम गरीबों के क्या पसंद ना पसंद, जो मिल जाता है उसे सबर शुक्र करके पहन लेते हैं। ज्यादा बातें नहीं बनाओ, जरूर पहनना है तुमने, ठीक है? अच्छा जल्दी से किचन में आ जाओ, बहुत सारे काम पड़े हुए। अरे वाह लकी की, ये तुम्हारे लिए है? ढेर सी बात है चाचू, अगर उसके हाथ उसी का ही होगा ना। डेफिनेटली लकी के हाथ में जो भी है उसी का तो है। वैसे लकी, ये ड्रेस पहनकर तुम बहुत हसीन लगोगी। माँ देख कैसा वधिया कपड़ा है, कैसा ऐला रंग है। बस कर दे, जल्दी ना हो जाए यार, बिल्कुल ही। अच्छा माँ मैं ना एक काम करती हूँ, मैं जाके इसे मीने को दिखा कर आती हूँ। है अमीन, तो अमीन बोला कर उसे। वो ही जी, अमीन साहब को दिखाती हूँ, ठीक है जी? अरे ध्यान से मेरी गल सुन ले, जवानी किकर पे भी आए ना तो उसपे भी बाहर आ जाती है। तू मेरी रानी है। सियाने कहते हैं कि औरत की जवानी तिजोरी तरह होती है, खुली खुली तिजोरी की तरह, बहुत सांभ सांभ के रखना चाहिए। तो तू मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही है भला? तुझे भरोसा नहीं है मेरे पे? तुझे पूरा भरोसा है, दुनिया से हालात से डरती हूँ आजकल जो है। तो छपा के रख लेना मुझे सारी दुनिया से। इसीलिए मैंने अमीन को कह दिया ले आए अपनी माँ को और ले जाए अपनी अमानत लेके। भक्ता तुझे अमीन कैसा लगता है? क्या मतलब है कैसा लगता है? तुझे अच्छा तो लगता है ना? माँ तो खुद ही तो कहती है झूठा खाने वालों की ना कोई ख्वाहिश नहीं होती। पुत्र तू बड़ी बख्त वाली है, गबरू जवान है अमीन, अपना अपना कारोबार है उसका, दुआएं गिरेगी अपनी माँ को दुआए ना। माँ तू मुझे एक बात बता दे यार, तू रोज एक ही सबक पढ़ा पढ़ा के थकती नहीं है? अच्छा तूने चाहा ना अमीन की तरफ जा। कोई नहीं जाना मैं, अब दिल नहीं चाह रहा मेरा। तो क्या था जो हम रक्षे पर आ जाते? थोड़ी देर सही हो जाएगी। सर तुम क्या, तुझे मेरे साथ चलना अच्छा नहीं लग रहा? वैसे भी तो तुझे सारी उम्र मेरे साथ ही तो चलना है। मेरी उम्र या अपनी उम्र? कैसी बातें कर रही है भैया? तो और क्या नहीं? किसे पता कि किसने कितना जीना, तूने या मैंने? आज तू अजीब लग रही। तू बड़ी अजीब बातें करता है, कभी कहता है मैं आज बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, कभी कहता है कि मैं आज बहुत अजीब लग रही हूँ। माँ ठीक ही कहती है, तुम मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता। अरे मेरे कहने का मतलब था
उखी उखी सी, गैर गैर सी। अच्छा चल चल, ज्यादा बात बनाओ, जल्दी जल्दी पैर चला, देर हो गई है मुझे। मेरा बस चले तो मैं रास्ते रोक लूं। बाकी कोठी आ गई, मेरी में जाए। ओ पक्ता, पक्ता। बोल भी क्या है, फूट ना मुंह से, मुझे देर हो गई है। अपना ख्याल रखना। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सुन तो, अब क्या है? अल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए। तू भी ना मीने, एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ तू है, दोनों पक्के वहमी हो। मैं जा रही हूँ। बाजी जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है लकी तुम आ गई। देखो सब चीजें फैली हुई है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं सजाऊं कि मेहमानों को देखूं। बाजी जी आप फिक्र ही ना करें, अब मैं आ गई हूँ ना, सब काम संभालूंगी, कचन का भी और मेज का भी, मानों का भी, का भी। आराम से जो काम करना है आप करें। ठीक है तुम ये देखो, मैं आती हूँ। आज की पूरी में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरे जूते ढूंढ कर दो। और दूसरा गुड़ी मैंने दोस्त को देना है। चलो चीपू बेटा, मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। क्यों मामा? बेटा इमरजेंसी हो गई है, वो बॉम ब्लास्ट की वजह ना बहुत सारी मरीज है वहाँ पे। पापा सही कहते हैं, डॉक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए। जाए आई एम सॉरी बेटा, प्लीज नाराज मत हो। मामा आज मेरी बर्थडे और आप जा रही हैं। आई नो, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी। अब बाजी जी आप जाएं। टीपू साहब मैं हूं ना आपके साथ। हाँ लकी है ना, देखो लकी जब तक कि मैं नहीं आ जाती ना वापस तो ही नहीं जाओगी। जी बाजी। मामा ये चली जाएगी। नहीं जाऊंगी ना बाजी जी, आप ना करें आप जाएं, मैं हूँ टीपू साहब के साथ। थैंक यू लकी, अगर मजबूरी ना होता तो मैं नहीं जाती। डॉक्टर जी काफी देर से ड्राइवर इंतजार कर रहा है, क्या कहना है? हाँ मैं चलती हूँ। लकी तुम अपनी अम्मा को यहाँ बुला लेना, पता नहीं मुझे कितनी देर हो जाए, तुम भी परेशान होगी और भी परेशान होगी। अदील आप जरा लकी की हेल्प कर दीजिएगा, घर संभाल लीजिएगा। हाँ श्योर। उपेद तुम जरा मेहमानों को देख लेना प्लीज। डोंट वरी भाभी, आप सुकून से जाएं। थैंक यू। ओके बेटा।
साहब जी आप कुछ चाहिए को? क्या तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? डर लग रहा है क्या मुझसे? आप एक काम करें, आप अपने कमरे में जाएं जी। इधर मेरी तरफ देखो। साहब जी आप अपने कमरे में जाएं। मुझे मालूम है तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं करती ना, क्योंकि हमारे बीच स्टेटस की दीवार है। तुम मुझे मुलाजमा और मैं ऑनेस्टली मुझे बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं बोलने आते। बस एक बार कह दो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। जी खुदा के वास्ते आप अपने कमरे में जाएं, आपको जो भी काम है मुझे बता दें। चला जाऊंगा लेकिन मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। तुम जब चाहो जिस वक्त चाहो मेरे पास आ सकती हो। साहब जी आपको कुछ चाहिए? जी मुझे पानी चाहिए। आप कमरे में जाए जी, मैं लेकर आती हूँ। जी माँ तू कब आई? तू यहाँ पे खड़ी क्या कर रही है? ओ माँ मैं बर्तन धो रही हूँ, चल जल्दी काम खत्म कर, जाना भी है। मुझे मैं पानी देकर आती हूँ। क्या बात है पुत्र, थक गई है मैं दबा दूं? नहीं माँ क्या कर रही है, क्यों मुझे गुनाहगार करने लगी हुई है? चल अब तू भी सो जा। तो हिल क्यों रही है? आंखें बंद करके सो जा आराम से। चल वाश में इधर ही बैठ। खाला सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खाला पता नहीं आई? आ जाएगी शाम को। ओ घर में काम इतना पड़ा, मैंने कहा चलो जी हो गई तो जाके समेट लूं। उसकी बाजी भी तो अस्पताल चली गई थी ना। वो खाला खैर तो है ना? मैंने सुना है कोई बमशम फट गया है। ओ हाँ खाला बड़ा जानी नुकसान हुआ है। हाँ तभी तो बेचारी ऐसे भागी ना सर पे पैर रख के, बच्चे की सालगिरह भी भूल गई। वो खाला फिर कब आएगी? आ जाएगी शाम को, तू चका ली। ले शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा खाला मैं जा रहा हूँ, फेरे पे जा रहा हूँ मैं। रात हो गई है बेटा, रात को तो परिंदे भी अपने घोंसलों में वापस आ जाती, तू भी घर जा घर जा। मुझे रात से नफरत हो गई है बाबा, रात अच्छी नहीं लगती। हप अल्लाह।
भाई कोई नई काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? अतील इतना आसान थोड़ी है नई हेल्पर ढूंढना। अब उसकी खूबियां याद आ रही हैं? मैं कभी भी उसको बुरा नहीं कहती थी, उसकी वजह से तो मुझे कितनी आसानियां थी। टीपू की फिक्र नहीं होती, आपकी खाने की और कपड़ों की। अरे हाँ, कपड़ों से याद आया, वो आपकी सिल्वर वाली कफलिंग थी ना, वो नहीं मिल रही, वही जो आपने टीपू की बर्थडे पे पहनी थी। हाँ यही कहीं होंगी, ध्यान से देखो मिल जाएंगे। नहीं बहुत ढूंढा, अभी तक तो नहीं मिली। अच्छी तरह से ढूंढना, मेरी सास ने तोहफे में दिया था, होना नहीं चाहिए। अभी मशीन लगाऊंगी ना तो देखूंगी, शायद किसी कपड़े में अटकी भी होगी। 4 दिनों से मैं मशीन लगाने का सोच रही हूँ, हिम्मत ही नहीं होती है। वाह तुम अंदर आ जाओ। अभी मैं और अदील बख्ता की ही बातें कर रहे थे, हम सब उसे बहुत याद करते। बस जी, ऊपर वाले की मैं अफसोस करने के लिए आती जरूर, लेकिन ना बीबी जी ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत तारीफ करती थी आपकी जी। ये क्या है? अरे लीना, इनको चाय पानी पूछो। नहीं जी, बहुत मेहरबानी है आपकी बीबी जी। जिस दिन उसने रुखसत होना था ना, थैली उसके हाथ में थी, ये मेरा इन पे कोई हक नहीं है जी, जो कुछ है वो आपका है। अरे हाँ, ये जोड़ा तो मैंने उसे दिया था। जानती हूँ जी, पर ये मुझे सोने नहीं देता। खुटी पे टांगती हूँ ना, आवाज से हिलता है, ऐसा लगता है जैसे सांस ले रहा हो। ट्रंक में डाल देती हूँ तो ऐसा लगता है मुझे जैसे इसका दम घुट जाएगा। मैंने नहीं रखना इसे, आप किसी को भी दे दें, किसी को भी दे दें। अदील, ये कफलिंग ये बख्ता के पास किसे? और ये पैसे? देखा आपने थी, अभी मैं इसकी कितनी तारीफें कर रही थी ना। हाँ लीना, कोई इत्तफाक हो गया होगा वरना। नहीं, ये कोई इत्तफाक नहीं है, दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर कोई ऐसी वैसी बात हुई है। हाँ जी, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है, यही तो कहने के लिए आपके पास आई हूँ, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है। ओ जी, मेरी बच्ची गाड़ी के नीचे नहीं आई, उसने गाड़ी के नीचे छलांग लगा के खुदकुशी की है। मरी नहीं है वो, उसे कत्ल किया गया है, उसे मारा गया है। लगता है मेरी मौत ने पागल कर दिया है। मैं तो आपके पास आ गई है जी, मेरी बेटी चोर नहीं है, चोर नहीं है मेरी बेटी, चोर नहीं है। हाँ, चोर नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है और चोर नहीं है। कितनी मासूम और भोली लगती थी, और अदील आप कितनी हमदी करते थे आप उससे, और अभी तो मैं किसकी कितनी तारीफें कर रही थी। और निकली क्या, चोरनी? चोर नहीं है, चोर नहीं, मेरे बात चोर नहीं है। Thank you.
अगर किसी को बताया तो इज्जत के साथ साथ नौकरी भी जाएगी। कितनी